अगली खबर की ओर, हिसार लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने सिर्फ सर्वे के आधार पर टिकट बांटने को लेकर गलत करार देते हुए कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट बांटना किसी भी मायनों में सही नहीं है, क्योंकि सर्वे मैनिपुलेट हो जाते हैं। ऐसे में सिर्फ सर्वे के भरोसे न रहते हुए योग्य उम्मीदवार को टिकट दिए जाने के लिए जरूरी है कि सर्वे के साथ साथ बड़े नेताओं की राय भी ली जाए। पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह रविवार को स्थानीय चिड़ियाघर मोड़ स्थित मैट्रिक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इसके उपरांत पूर्व सांसद ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर भी अपने विचार रखे। इस मौके पर पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने हरियाणा में कांग्रेस विधायकों पर लगातार की जा रही ईडी के छापेमारी मामले पर बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय में ऐसी छापेमारी सिर्फ जनता पर ही क्यों होती है, इस बात को लोग समझने लगे हैं। भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। आज तो रमेश बुरा जी ने जो हॉस्पिटल की स्थापना की है, मैट्रिक्स हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, इसके उद्घाटन के लिए उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया था और जिसके लिए मैं आज आया हूँ। बाकी ये जरूर है कि अब तो चुनावी मौसम है और हरियाणा में कुछ इस तरह की अब एक वो बन गई है कि क्योंकि लोकसभा के कुछ महीने बाद ही असेंबली का आ जाता है, तो करीब लगातार 6-7 महीने जो हैं वो पूरा प्रदेश जो है वो चुनाव में ही फंसा रहता है। तो ठीक है, आजकल सबकी सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी अपनी गतिविधियां चल रही हैं, कईयों की तेज है, कईयों की धीमी है, कई कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह तलाशने की, और ठीक है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कांग्रेस के साथ जिस प्रकार से ईडी के सदस्य जवान जी चले गए और राहुल गांधी मिले, तो उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ी स्पष्ट सी चीज है कि एक एक तरह का काम करने का तरीका बन चुका है बीजेपी सरकार का, कि जहां भी चुनाव की दस्तक होती है वहां पे ईडी और दूसरी एजेंसीज जो है वो पहुंचना शुरू हो जाती है।